राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल लमंचना डेली ब्लॉग में। और सुबह सुबह का टाइम है तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे कुंज बिहारी जी के साथ। और आज है करवा चौथ, तो हमारा है आज उपवास। तो सुबह सुबह सबसे पहले हम आ गए हैं पूजा करने के लिए, और अपने कुंजू को हमने तैयार कर दिया है और साथ में माधो को भी तैयार कर दिया है। और बाकी की जैसे हम हमेशा पूजा करते हैं वैसे पूजा कर ली है। इसके बाद शुरू हो गए हैं हमारे वही घर वाले काम जो कि रोज़ करते हैं, पर आज थोड़ा हट के हैं। तो आज हम साफ कर रहे हैं ये करवा, और ये करवा जो है ये करवा चौथ वाले दिन ही सजाया जाता है और साल भर ऐसे ही रखा रहता है। जब करवा चौथ दोबारा से आता है तब इन्हें साफ किया जाता है। ये देखिए हमारे करवा जो है वो साफ हो चुके हैं और इन्हें रख देंगे एक साइड में। और इसके बाद अभी हमें अपनी थाली और छलनी ये सब भी सजानी है, तो वो पहले सजा लेते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपनी थाली डेकोर करने के लिए, क्योंकि अभी तक हमें टाइम नहीं मिल पाया। सारा सामान उसी दिन ले आए थे मार्केट से, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया तो हमने ये पेपर लिया। यहाँ पे कपड़ा भी मैंने ये लिया था, पर कपड़ा जो है चिपक नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो इसलिए हमने ये पेपर शीट मंगवाई है। तो मैंने इसका गोल आकार ऐसे काट लिया है, और ये गिलास के लिए काट लिया है, और ये चलने के लिए काट लिया है। तो अब जो है हम इसे चिपका लेते हैं। तो हमने सबसे पहले थाली में लगाया है ग्लू, और ये जो है फेवी बॉन्ड है, बहुत अच्छे से चिपक जाता है, बिल्कुल जैसे ग्लू गन होती है ना उसी टाइप से ये काम करता है। और हमने फेविकोल भी मंगाया था तो वो तो काम कर नहीं रहा था, इसलिए हमें फेवी बॉन्ड मंगाना पड़ा। तो हमने इसे बहुत अच्छे से चिपका लिया है। और उसके बाद ये लेस रखी थी हमारे पास काफ़ी दिनों से, जब हमने कुंजू के कपड़े बनाए थे तब लेकर आए थे, तो तभी की ये लेस बची हुई रखी थी। तो हमने सोचा इसे थाली में लगा देते हैं तो सुंदर लगने लग जाएगी, और रेड पे थोड़ा सा गोल्डन का कॉम्बिनेशन जो है ना, कलर कॉम्बिनेशन वो अच्छा लग रहा है। तो देखिए कितनी सुंदर लगने लग गई है। और इसके बाद ये किनारे पर ये वाली लेस लगाएंगे तो और भी अच्छी लगने लग जाएगी। तो ये लैस तो पूरी लग चुकी है और बीच में हमारे पास कुछ भी नहीं है लगाने के लिए, और देखते हैं अभी कुछ बचेगा अगर तो लगा देंगे। बाकी ऐसे भी सुंदर लग रही है, इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं लग रही थी, फिर भी देखते हैं अगर कुछ होगा तो ज़रूर लगा देंगे। और इसके बाद छलनी की सजावट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले सीट को चिपका देंगे, उसके बाद इसमें लगा देंगे वही गोल्डन कलर वाली लेस। और इसमें पहले हमने एक साइड लेस लगाई है, और जब एक साइड लग गई थी तो हमें थोड़ी सी खाली खाली सी लग रही थी, तो फिर हमने दोनों साइड गोल्डन कलर की लेस लगा दी थी, और बीच में हमारे पास जो मिरर वाली लेस रखी थी वो लगा दी थी, तो काफ़ी अच्छी बन गई थी। फ्रेंड्स देखिए फाइनली हमारी जो थाली है वो सज चुकी है, और आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही कम सामान में हमने ये तैयार की है, और देख ही रहे होंगे आप, क्योंकि इसकी जो लैस थी इसमें ये मिरर बचे हैं, तो इसमें तीन चार मैंने जो ये मिरर हैं थाली में देख रहे हैं ये लगा दिए हैं। और बाकी आपको ये मेरी छलनी कैसी लग रही है? छलनी तो सच बताए तो मुझे अच्छी लग रही है, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लग रही है। कुछ ज़्यादा ही हो गई है गोल्डन गोल्डन, फिलहाल अच्छी लग रही है। और ये है गिलास, गिलास को भी मैंने डेकोरेट कर दिया है, और नीचे साइड में हमने लैस नहीं लगाई है क्योंकि बची नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, इसीलिए ऐसे ही छोड़ दिया इसे। और बाकी ये है हमारी छलनी और गिलास और थाली, तो सज चुकी है। आप लोग कॉमेंट्स करके बताइएगा कैसी लग रही है, और अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक हमारी छलनी के लिए ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद हमने कर लिया है स्नान और छत पे आ गए हैं कपड़े सुखाने के लिए, और हल्की हल्की धूप है तो अभी सूख जाएंगे। और अभी जो है पूजा की भी सारी तैयारियां करनी है, तो हमने सोचा पहले स्नान कर लेते हैं उसके बाद ही पूजा पाठ की चीज़ें बनाएंगे। ये देखिए यहाँ हमारी ननद जी ने जो है शुरू कर दिया है सारा काम पूजा पाठ का। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे रंगे जा रहे हैं करवा, और इसे रंगने के लिए यहाँ पे चावल का आटा लिया गया है, उसे घोल लिया गया है पानी से। तो उसके बाद यहाँ पे
सारे करवे जो हैं वो रंग दिए जाएंगे और ये थोड़े से सूख जाएंगे। इसके बाद इस पर स्वास्तिक बनाया जाएगा रंग से। और इधर मम्मी जो है ये बना रही हैं चावल के फरे जो कि करवे में ही डाले जाते हैं। फरे बनेंगे और थोड़े से गोल गोल लड्डू जैसे बनते हैं, आटे के ही बनते हैं, तो वो बनाए जाएंगे। तब तक हम तैयारी कर रहे हैं शाम के खाने की। तो यहाँ पे छोले उबालने के लिए रख देंगे और एक साइड आलू भी रख देंगे उबालने के लिए, क्योंकि आलू की कचौड़ियाँ सभी को ज़्यादा पसंद है और कुछ लोग जो हैं उनको दाल की कचौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो दो तीन टाइप की तो कचौड़ियाँ बनेंगी। तो सारी तैयारियाँ जो है वो अभी से करनी है, तब जाके कहीं शाम तक खाना जो है वो कम्प्लीट हो पाएगा। तो एक साइड हमने छोले चढ़ा दिए है और एक साइड जो है पक रहे हैं आलू, तो दोनों साथ में ही पक जाएंगे। और इधर जो है बन रहे हैं पापड़, क्योंकि हमारे वहाँ करवे में पापड़ भी डाले जाते हैं। और ये देखिए हमारे करवे जो रंग के रखे गए थे वो तो सूख चुके हैं, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं स्वास्तिक, सभी करवे में बना लेंगे। और इसके बाद और भी जो भी बाकी की तैयारियाँ हैं वो सब भी कर लेंगे। और आगे जो हम लोगों ने पूजा की है और कैसे क्या तैयार हुए हैं और क्या क्या हम लोगों ने मस्तियाँ की है और सबसे ज़रूरी बात, हमारे पतिदेव ने हमें क्या गिफ्ट दिया है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको हमारे अगले ब्लॉग में देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये ब्लॉग जो है लंबा हो रहा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।